तो तुम्हें ड्रीम गर्ल 1 तो याद होगी, और उसी का सीक्वल ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर अभी रिलीज हो चुका है और जल्दी इसकी मूवी भी रिलीज होने वाली है। और ये बहुत बड़ा थिएट्रिकल कमबैक तो हो ही सकता है, क्योंकि ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ फैमिली मूवी होने वाली है। और लाइट हार्टेड कॉमेडी से मुझे याद आया कि इसकी कास्ट भी बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी, मनोज जोशी वगैरह वगैरह, और बहुत बड़ी है। और साथ ही में अनन्या पांडे, वो इज फेमस फॉर हिज स्ट्रगलिंग करियर। और अनन्या पांडे से याद आया कि ये पहली मूवी होने वाली है जिसमें ये दोनों, आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे, साथ में स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। और इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये पिछली मूवी से बिल्कुल कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन जैसे पिछली मूवी में इन्होंने अपनी आवाज़ से लोगों के दिल तोड़े थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, उसी तरीके से सेकेंड मूवी में सिर्फ आवाज़ के साथ ही नहीं, पूरी की पूरी अपने बॉडी के साथ, यानी कि पूरा अवतार अपने फौरत खा लेने वाले हैं लोगों का एक स्पेसिफिक पर्सन का शायद दिल तोड़ने वाले हैं, जिसके साथ उनकी नतीजे शादी भी होगी। क्यों वो तुम्हें मूवी देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये पहले से इसमें रिवील कर चुका है कि ये उधार उतारने के लिए ये सब करने वाले हैं, क्योंकि अनन्या पांडे और वो दोनों शादी करना चाहते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि उसका बाप मान जाए, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए ये सब करने वाले हैं। और जो फिल्म का मज़ा है वो फिल्म को देखने में ही आएगा। सो लेट्स वेट। एंड तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस मूवी के ट्रेलर के ऊपर और ओवरऑल मूवी के ऊपर भी कि कैसी ये जाने वाली है? सो इफ़ यू हैव एनी थॉट, let me know in the comment section, and if you like the video, subscribe my channel for more.